दोस्तों, बत्तख का बच्चा मुर्गियों के घर में सो रहा था और वो भी बिना किसी डर के। लेकिन तभी आधी रात को एक बड़ा चूहा मुर्गियों के घर में घुस गया उनके अंडों को खाने, जिसे पता नहीं था कि यहाँ एक बत्तख का बच्चा भी है। अब चूहे ने मुर्गी के एक अंडे को गिराकर तोड़ दिया, जिसकी आवाज से सभी मुर्गियां जाग गई, जिन्होंने देखा कि एक बड़ा चूहा उनके अंडे खा रहा है, जो सिवाय चिल्लाने के और कुछ नहीं कर सकी। कि तभी मुर्गियों की आवाज से बत्तख का बच्चा भी जाग गया और चूहे को देख डर के मारे चिल्लाने लगा। जो चूहा मजे से मुर्गियों के अंडे खा रहा था, लेकिन बत्तख की आवाज ने उसे एक और दावत के लिए आवाज दे दी। इसलिए चूहा अब अंडे को छोड़ बत्तख के मांस को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया और उसे अपनी जान बचाने के लिए बत्तख का बच्चा भागने लगा, जिसे एक छोटा सा छेद दिखाई दिया अपनी जान बचाने के लिए, जिस छेद के रास्ते से बत्तख का बच्चा अपनी जान बचाकर मुर्गियों के घर से भाग निकला, जो आधी रात को अंधेरे में भटक रहा था कई अनजान खतरों से बेखबर होकर। इसलिए वो अपनी जान बाहर के खतरों से बचाने के लिए लड़के के घर में दोबारा से घुसने की सोच रहा था और फिर छोटे दरवाजे से होकर लड़के के घर में घुस ही जाता है, जिसे लिविंग रूम की गर्मी काफी अच्छी महसूस होने लगी एक अच्छी नींद के लिए। लेकिन अभी तक उसका ध्यान सोती हुई बिल्ली पर नहीं गया था, मगर उसकी आवाज सुन बिल्ली का ध्यान अब उस पर आ गया था।